स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप सबके सहयोग से फास्ट ट्रैक लागू किया, ये 93% फास्ट ट्रैक अभी लोगों ने ले लिया है। ये जो जयपुर में जाने वाला कौन सा नाका है, वो जो टोल नाका है, इम्पोर्टेंट खिड़की टोला, वहाँ आधा आधा घंटा लोग रुकते थे। आप कहीं भी, अब हमारे पास ऐसी सिस्टम है कि मैं कौन से टोल नाके पर आपको कितना मिनट कौन रुका है, इसका एक मिनट में जवाब दे सकता हूँ। और मुझे खुशी है कि हमने तीन मिनट के ऊपर कहीं समय नहीं लग रहा, पूरी तरह फास्ट ट्रैक हो, ये इज ऑफ बिजनेस। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी फास्टैग के इंस्टॉलेशन के बाद आए चेंजेस के बारे में बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में 85% लोगों की ट्रैवलिंग और 60% माल ढुलाई केवल रोड के जरिए ही होती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन रोड्स आज हमारी कनेक्टिविटी और इकोनॉमी के लिए धमनियों के रूप में काम कर रही हैं। देखा जाए तो कुछ टाइम पहले तक इंडियन रोड कनेक्टिविटी में टोल कलेक्शन की वजह से ऐसी कई खामियां पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से स्मूथ ट्रैवलिंग और माल ढुलाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए हमारे विजनरी मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने फास्टैग के रूप में हाईवेज पर एक ऐसा ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया, जिसने इंडियन ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली 90% समस्याओं को ही जड़ से समाप्त कर दिया। ये फास्टैग सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट के लिए इतना रेवोल्यूशनरी साबित हुआ कि 2017 में जहां फास्टैग से गवर्नमेंट को 660 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, वहीं 2023 तक आते आते ये रेवेन्यू 70,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इन सब के अलावा नितिन गडकरी जी के मुताबिक जिस स्पीड से फास्टैग का इंस्टॉलेशन नेशनल हाईवेज के साथ स्टेट हाईवेज पर किया जा रहा है, देखा जाए तो 2030 तक इस कलेक्शन का $15 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए अपने आप में एक फेनोमिनल अचीवमेंट होगी। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम इसी फास्टैग के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इंडियन रोड नेटवर्क्स के टोल कलेक्शन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को फास्टैग की जरूरत पड़ी। आपको ये भी बताएंगे कि फास्टैग काम कैसे करता है, इसके इंस्टॉलेशन से टोल कलेक्शन के साथ इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नए क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, और आखिर में नितिन गडकरी जी द्वारा बताई गई उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे जिसको इंस्टॉल करने से इंडियन रोड नेटवर्क यूरोपियन स्टैंडर्ड का हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसिडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा, साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर टोल टैक्स या फिर टोल कलेक्शन किसे कहते हैं और फास्टैग से पहले टोल कलेक्शन में ऐसी कौन सी समस्याएं आती थी जिसकी वजह से फास्टैग की जरूरत पड़ी। देखिए, सरल भाषा में कहा जाए तो टोल टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी एक्सप्रेसवे, हाईवे, टनल्स और ब्रिजेस आदि को इस्तेमाल करने के लिए सरकार को दिया जाता है। फिर सभी रोड्स जिन पर टोल टैक्स एप्लीकेबल होता है उनको टोल टैक्स रोड कहा जाता है और ये रोड जनरली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अंडर आते हैं। दोस्तों, इस टोल टैक्स का इस्तेमाल सरकार रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के साथ साथ रोड के रखरखाव के लिए भी करती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए रोड का रखरखाव उतना ही जरूरी है जितना कि एक नई रोड को बनाया जाना। इसीलिए टोल टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सरकार रोड्स पर कई टोल प्लाजा का निर्माण करती है जिसको या तो सरकार के लोग ही संचालित करते हैं या फिर टोल कलेक्शन के लिए एजेंसी को ठेका दे दिया जाता है जो सरकार के बिहाफ पर टोल को कलेक्ट कर सरकार तक पहुंचाती है। लेकिन टोल कलेक्शन का यह ट्रेडिशनल तरीका कई खामियों से भरा था जिसकी चर्चा आइए एक एक करके कर लेते हैं। दोस्तों, फास्टैग के इंस्टॉलेशन से पहले जो भी टोल कलेक्शन हुआ करता था वो सभी कैश के माध्यम से होता था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम की वेस्टेज हुआ करती थी। देखा जाए तो टोल प्लाजा पर पी कार्स में कई किलोमीटर तक की लंबी लाइन लग जाया करती थी और ऐसा होने पर ट्रैवल करने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि माल समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता था और डेयरी के प्रोडक्ट्स जिनका समय पर पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है वो भी समय पर नहीं पहुंचने की वजह से खराब हो जाते थे। इकोनॉमिक टाइम के डेटा के मुताबिक 2012 में टोल कलेक्शन में लगने वाले जैम की वजह से पूरी इंडियन इकोनॉमी को लगभग 87,000 करोड़ का लॉस सहना पड़ा था। साथ ही गाड़ियों के लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने की वजह से
इंडिया को 6.6 बिलियन डॉलर का फ्यूल लॉस सहना पड़ा था। साथ ही बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी होता है। दोस्तों, हम सभी को यह मालूम है कि रेड लाइट क्रॉसिंग पर पॉल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा होता है। लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने की वजह से गाड़ियों में बैठी सवारियों को सफोकेशन की समस्या होने लग जाती थी। इसके अलावा कैश ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए बड़ी मात्रा में मैन पावर की नीड पड़ती थी। सरकार को उनकी सैलरी के साथ टोल प्लाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी भारी पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद भी टैक्स कलेक्शन में हद से ज्यादा ह्यूमन एरर हुआ करते थे। दोस्तों, टैक्स कलेक्शन में कई तरह की धांधलियां भी देखने को मिलती थी। आमतौर पर जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता था उससे कम ही डेटा सरकारी पोर्टल पर चढ़ाया जाता था और उसमें भी गवर्नमेंट तक पहुंचने में काफी सारी लीकेज हो जाया करती थी। देखा जाए तो सरकार टोल कलेक्शन में हो रहे करप्शन को रोकने में पूरे तरीके से नाकाम थी। गवर्नमेंट जिन एजेंसीज को टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मा सौंपती थी उनमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भारी कमी थी। साथ ही कैश ट्रांजेक्शन की वजह से आए दिन टोल प्लाजा पर लूटपाट की घटनाएं भी देखने को मिलती रहती थी। लोकल अपराधी टोल प्लाजा को लूट लिया करते थे जिससे कहीं न कहीं सरकार का बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। दोस्तों, इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार को एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई जो इन सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सके। और इसी के बाद 2010 में नंदन निलेकानी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहली बार फास्टैग टेक्नोलॉजी के यूज का प्रस्ताव इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखा। दोस्तों, फास्टैग इंडिया का एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि RFID का इस्तेमाल होता है। RFID गाड़ी की विंडशीट पर लगे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को पढ़कर उस नंबर से जुड़े अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही टोल टैक्स को डिडक्ट कर लेती है। दोस्तों, प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि गाड़ी चंद सेकंड में ही टोल टैक्स जमा कर सीधे आगे बढ़ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फास्टैग को फुली फंक्शनल करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा इसके पेमेंट को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा मैनेज किया जाता है। सबसे पहले फास्टैग को 2014 में अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन किया गया था। 1 अप्रैल 2016 तक आते आते ये 70% नेशनल हाईवे पर इंस्टॉल हो चुका था। फिर 1 दिसंबर 2019 तक फास्टैग को सभी कॉमर्शियल और पैसेंजर वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। और इसके बाद से जिनके वाहनों में फास्टैग नहीं होता था उनको पेनाल्टी के रूप में दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता था। हालांकि फास्टैग अनिवार्यता के आखिरी डेट को कई बार आगे भी बढ़ाया गया। और दोस्तों, देखा जाए तो फास्टैग के इंस्टॉलेशन के बाद जो प्रॉब्लम फास्टैग से पहले टोल कलेक्शन के समय आती थी वो पूरे तरीके से खत्म हो गई, जिससे टोल कलेक्शन में फेनोमिनल चेंजेस देखने को मिले हैं। दोस्तों, आइए ये जान लेते हैं कि आखिर फास्टैग के इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, फास्टैग के इंस्टॉलेशन के बाद पेमेंट पूरे तरीके से लगभग कैशलेस हो गया है, जिससे वो समय जो बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन की वजह से खराब होता था वो खराब होना बंद हो गया है। दोस्तों, इससे समय की बचत तो हुई ही, साथ ही साथ ट्रैवलिंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है। जहां पहले टोल प्लाजा पर टैक्स जमा करने में गाड़ी को 8 मिनट से ज्यादा का एवरेज टाइम लगता था, अब वही टाइम मात्र 47 सेकंड्स का हो गया है। इन सब के अलावा नितिन गडकरी जी का कहना है कि फास्टैग की वजह से हर साल 8.4 बिलियन डॉलर का फ्यूल तो सेव होता ही है, साथ ही इंडियन इकोनॉमी को भी इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक फायदा पहुंचता है। दोस्तों, फास्टैग जो कम्प्लीटली डिजिटलाइज और ऑटोमेटिक है, देखा जाए तो उसके इंस्टॉलेशन की वजह से अब टोल प्लाजा की साइड से किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में कमी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, टोल कलेक्शन में एब्सोल्यूट एक्यूरेसी आनी शुरू हो गई है और अब किसी भी तरह की धांधली की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इन सब के अलावा भारत सरकार को जो बड़ी मात्रा में रेवेन्यू का लॉस हो रहा था उसमें भी भारी मात्रा में कमी देखी गई है और रेवेन्यू घटने की बजाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ रहा है। आप इसे समझने के लिए चार्ट को देखिए। फास्टैग की बदौलत गवर्नमेंट का रेवेन्यू 6 ईयर्स में 100% से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका 2030 तक लगभग 15 बिलियन डॉलर तक जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कर्स को मेंटेन रखने के लिए जो सरकार का पैसा खर्च होता था उसमें भी कहीं न कहीं कमी आई है। इन सब के अलावा टोल प्लाजा पर लूटपाट की घटनाएं भी आनी बंद हो गई हैं। फास्टैग ने इंट्रो ऑपरेबिलिटी और नेशनल कवरेज को भी बढ़ावा दिया और अब आप एक ही फास्टैग की मदद से पूरे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, जबकि आपको पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर्स की जरूरत पड़ती थी। दोस्तों, से कहीं न कहीं भारत का एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला है। और आप फास्टैग की सफलता का अंदाजा इस कंपैरिजन से भी लगा सकते हैं कि जहां UPI का मर्चेंट पेमेंट 2017 में 6% था, वो 2022 में 65% ही ग्रो कर पाया है। यहां तक इंडिया के डेबिट कार्ड में रुपए का शेयर जो 2017 में 15% था वो 2022 तक 64% ही रहा है। लेकिन जहां 2017 में नेशनल हाईवेज पर फास्टैग से 20% का ही पेमेंट होता था, वो 2022 तक बढ़कर 98% तक पहुंच गया है।
दोस्तों, इतने कम समय में फास्टैग की भारी सफलता कहीं न कहीं नितिन गडकरी जी के मास्टर स्ट्रोक को दिखाती है। आज फास्टैग का एवरेज डेली कलेक्शन लगभग 134 करोड़ रुपए तक का होता है और यहां तक कि 24 दिसंबर 2022 को फास्टैग ने 144 करोड़ का हाईएस्ट कलेक्शन दर्ज किया था। दोस्तों, अभी तक लगभग 6.4 करोड़ फास्टैग इशू किए जा चुके हैं। वहीं 2021 में जहां टोटल 922 फास्टैग टोल प्लाजा थे, ये 2022 में बढ़कर 1181 हो गए हैं, जिनमें से 323 स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं। दोस्तों, 2021 और 22 के डेटा के मुताबिक इंडिया में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर की रोड है, जिनमें नेशनल हाईवे 1,44,634 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 1,86,908 किलोमीटर और वहीं पर अन्य रोड्स लगभग 59,02,539 किलोमीटर है। यहाँ तक कि इंडिया में आज नेशनल हाईवे जो पहले 2014-15 में केवल 12 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से बन रहे थे, वो 2022 में 29 किलोमीटर पर डे हो गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में रोड निर्माण का काम कितना तेज गति से चल रहा है, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में इंडियन रोड्स को और फास्टैग इंस्टॉलेशन की नीड पड़ेगी। दोस्तों, 2022 और 23 में जहां इंडियन गवर्नमेंट ने 270,435 करोड़ का बजट NHAI को दिया था, देखा जाए तो उसमें से 70,000 करोड़ तो केवल फास्टैग कलेक्शन से ही आ गए हैं। साथ इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे के बाद स्टेट हाईवे पर भी फास्टैग इंस्टॉलेशन पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक 29 से ज्यादा डिफरेंट स्टेट अथॉरिटीज के साथ फास्टैग इंस्टॉलेशन की बात चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य शामिल हैं। दोस्तों, जिस रफ्तार से फास्टैग नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे में ग्रो कर रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट आने वाले टाइम में अपने साल भर का बजट जो रोड्स के निर्माण में खर्च करती है, वो एक साल में सिर्फ टोल वसूली से ही निकाल लिया करेगी। दोस्तों, अभी तक हमने फास्टैग और उसके फायदों को समझा, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, उसमें खामियां भी होती हैं और कुछ ऐसी खामियों को फास्टैग भी फेस कर रही है। जैसे कि दिल्ली की रागनी मल्होत्रा का कहना है कि उनका फास्टैग कभी कभी स्कैन करना बंद कर देता है और गाड़ी के आगे पीछे करने पर भी सेंसर वर्क नहीं करता, जिसके बाद एंड में जाकर उनको कैश में अपना टोल टैक्स देना पड़ता है। साथ ही कई लोगों ने शिकायत की है कि फास्टैग टोल टैक्स से ज्यादा का अमाउंट उनके अकाउंट से काट लेता है और कभी कभी एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा का बिल भी बैठा देता है। जैसे कि अभी हाल ही में हरियाणा के एक शख्स का 90 रुपीस के टोल टैक्स के बिल की बजाय 99 करोड़ के टोल टैक्स का बिल आया था। वैसे तो ये आम सी समस्या है जो कई बार एक नॉर्मल ग्लिच से आ जाती है और इसका सॉल्यूशन भी आसानी से हो जाता है, लेकिन फास्टैग की वजह से मोस्टली वो लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिनका घर उस टोल प्लाजा के आसपास होता है। ऐसे में वो जब भी टोल से होकर निकलते हैं, उनको टोल जमा करना पड़ता है, फिर चाहे वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करें या फिर 40 किलोमीटर की, उनको बराबर का ही टोल देना पड़ता है। हालांकि इसके समाधान के लिए एक अलग से टोल लाइन होती है, लेकिन वो भी पूरे तरीके से प्रभावी साबित नहीं हो पाती है। देखा जाए तो इसके समाधान के लिए नितिन गडकरी जी एक ऐसी टोल कलेक्शन की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, जो समस्या के साथ ही टोल कलेक्शन में मौजूद बची कुछ ही समस्याएं जो फास्टैग का इस्तेमाल करने से आती हैं, उनको तो खत्म करेगी ही, बल्कि पूरे फास्टैग सिस्टम की ही जगह ले लेगी। दोस्तों, हम बात करें GPS ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन सिस्टम की, जिसमें GPS सिस्टम का इस्तेमाल कर गाड़ी के रियल टाइम लोकेशन से गाड़ी ने कितनी दूरी तक हाईवे का इस्तेमाल किया है, उसके आधार पर उसका टोल काट लिया जाएगा। देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह के टोल प्लाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही GPS सिस्टम से ओवर स्पीडिंग पर भी गाड़ी का चालान काटा जाएगा, जो कि अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कदम होगा। दोस्तों, इस बारे में नितिन गडकरी जी का कहना है कि वो सिस्टम को 2014 तक भारत के लगभग 15,000 किलोमीटर हाईवे पर इंस्टॉल कर देंगे। हालांकि इसको कम्प्लीटली वर्किंग में आने के लिए अभी काफी समय लगेगा, लेकिन तब तक कहीं न कहीं फास्टैग अपनी छाप इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर छोड़ चुका होगा। दोस्तों, GPS सिस्टम की वजह से आज कहीं न कहीं फास्टैग सिस्टम पर एक खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आज के डेट में फास्टैग क्वाइट UPI के रूप में काम कर रहा है। देखा जाए तो फास्टैग का यूज आज सिर्फ टोल कलेक्शन में नहीं, बल्कि मॉल पार्किंग, एयरपोर्ट पार्किंग और फॉरेस्ट एरियाज के एंट्री गेट पर भी हो रहा है। हाईवेज अथॉरिटी के मुताबिक फास्टैग पर आज 50 से अधिक इंडियन सिटीज में 150 से ज्यादा पार्किंग लॉट्स में मौजूद है। दोस्तों, बारी है आज के सवाल की, क्या फास्टैग आने वाले समय में और वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा, या फिर ये पूरे तरीके से GPS बेस्ड सिस्टम की बलि चढ़ जाएगा? आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।